जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलुंद चौराहे के ईंट भट्टे के पास शक्करगढ़ से जहाजपुर की ओर तेज गति से आ रही बस असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक महिला पुरुष और बच्चे घायल हो गए। वहीं लोगों की सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। 108 की सहायता से सभी घायलों को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। वहीं इस घटना की जानकारी के चलते ही बस में सवार घायलों के परिजन जहाजपुर हॉस्पिटल पहुंचकर अपने अपने परिजनों की कुशल क्षेम लेने में जुट गए। जहाजपुर थाना अधिकारी राजकुमार नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि शक्करगढ़ क्षेत्र से जहाजपुर आ रही बस असंतुलित होकर पीपलुंद चौराहे के कुछ दूरी पर ईंट भट्टे के पास पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक महिला पुरुष और बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। वहीं गंभीर होने पर कुछ मरीजों को भिलवाड़ा के लिए भी रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जहाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और दुर्घटना में घायल हुए मरीजों की जानकारी ली। दुर्घटना में घायल हुए बद्रीलाल सेन, दिनेश पिता रतनलाल मीणा, चर्चा पत्नी दिनेश सोनी, हरिदेवी पत्नी भेरूलाल मीणा, राहुल पिता रमेश तेली, अनिता पत्नी महेंद्र की, रमेश पिता माधवलाल मीणा, फारूक पिता शब्बीर मोहम्मद, अनिल पिता शंकरलाल मीणा, संजय पिता शंकरलाल मीणा, मंजू पत्नी रमेश तेली, हेमंत पिता तेजमल सेन, तेजमल पिता बद्रीलाल सेन सहित कई लोग घायल हुए।